Good morning, student. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain the question answer of poem My Good Right Hand, whose poet is Charles Mackay. First question: why did poet fall into grief? Kavi gham mein kyon doob gaya? The poet fall into grief as he was passing through bad days. Kavi hai wo dukh mein doob gaya as kyunki he was passing kyunki wo guzar raha tha bure dinon mein guzar raha tha. Misfortune and his poverty was pursuing him. Misfortune durbhagya aur uski garibi use विचलित कर रहे थे. इन इज आवर ऑफ नीड, जरूरत के समय में. नन केम, कोई नहीं आया. फॉरवर्ड, आगे. टू हेल्प हिम, उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया. हिज फ्रेंड, उसके मित्र. एंड एक्वेंटेंसेस, और उसके परिचित लोगों ने. डेजर्टेड हिम, उसे छोड़ दिया, सुनसान रूप से छोड़ दिया. लिविंग हिम अलोन टू सफर इन पॉवर्टी, गरीबी में पीड़ित रहने के लिए छोड़ दिया उसे. Why did the poet search for a friend prove to be fruitless? कवि के द्वारा उसके दोस्तों की खोज व्यर्थ क्यों हो गई? The poet was passing through adverse circumstances. कवि है वो गुजर रहा था, इसमें से होकर गुजर रहा था, विकट परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा था. His poverty, उसकी गरीबी ने लेड हिम, उसे ले गई. टू फॉल इन टू ग्रिप, उसे गहरे दुख में ले गई. नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ही नीडेड समवन, इसे निश्चित रूप से उसे किसी की आवश्यकता थी. टू हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके. इन दैट आवर ऑफ नीड, जरूरत के समय पर. ही बिगेन सर्चिंग फॉर ए फ्रेंड, वे एक मित्र की तलाश में लग गया. हु कुड स्टैंड, जो सहायता कर सके. विद हिम, उसके साथ खड़ा रह सके. इन डेट आवर ऑफ डिफिकल्टी, परेशानी के समय में. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से. हिज सर्च फॉर ए फ्रेंड, दुर्भाग्य से उसकी जो खोज थी एक मित्र के लिए, प्रूव्ड टू बी फ्रूटलेस, वो निरर्थक साबित हुई. नो फ्रेंड केम, कोई मित्र नहीं आया. फॉरवर्ड, कोई मित्र आगे नहीं आया. टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए. In finding over his misfortune, उसके दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए. इन पॉवर्टी, और उसकी गरीबी को समाप्त करने के लिए कोई आगे नहीं आया. थर्ड क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड, कौन सा वो मित्र है. डैट कुड हेल्प, जो मदद कर सका. एंड मेक द पॉइंट हैप्पी, और कवि की मदद, कवि को खुश कर पाया. All his friends, सारे मित्र, proved false, झूठे साबित हुए. None came, कोई नहीं आया. Over, कोई आगे नहीं आया. To help the poet, कवि की मदद करने के लिए कोई नहीं आया. In his hour of need, जरूरत के समय पर. Then he realized, फिर उसने महसूस किया. That self help, की केवल मात्र जो सहायता थी, was the best help, कोई केवल मात्र एक सहायता थी. He turned to his good राइट हैंड, वह मुड़ गया अपने अच्छे हाथ की तरफ, मुड़ गया फॉर हेल्प, मदद के लिए. हिज गुड राइट हैंड, उसका अच्छा हाथ है. उसने गेव हिम स्ट्रेंथ, उसे ताकत दी. टू वर्क हार्ड, जिससे वो कठोर मेहनत कर सके. एंड अर्न मनी, और पैसा कमा सके. व्हेन ऑल अदर फ्रेंड, जब सभी दूसरे मित्र फेल हो गए. हिज गुड राइट हैंड केम टू हिज हेल्प, तो उसका अच्छा सीधा हाथ है, वो ही उसकी मदद के लिए आया. एंड मेड हिम हैप्पी, और उसे खुश कर दिया. व्हाई डिड पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कवि निराश क्यों हो गया. द पोइट वॉज पासिंग थ्रू रियली बैड सर्कमस्टेंसेज, कवि है वो बुरी परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा था. पॉवर्टी, जो गरीबी थी. एंड द एडवर्सिटी, जो गरीबी और दुविधाएं थी.
विषमताएं थी हैड मेड हिम ए ब्रोकन मैन, उसने उसे एक टूटा हुआ व्यक्ति बना दिया। ही लुक्ड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों की तरफ देखा फॉर हेल्प, मदद के लिए। इन दिस आवर ऑफ नीड, जरूरत के समय पर। हिज सर्च प्रूव्ड, उसके जो तलाश थी वो प्रूव्ड साबित हुई। कैसी साबित हुई? क्वाइट फ्यूटाइल, बिल्कुल व्यर्थ साबित हुई। इवन हिज एक्वेंटेंसेस डेजर्टेड हिम, यहाँ तक कि उसके परिचित लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। दे गेव हिम अनवांटेड काउंसिल, उन्होंने उसे अनचाही सलाहें दी। बट डिड नॉट लैंड एनी मनी टू हेल्प हिम, लेकिन उसकी पैसा देकर कोई मदद नहीं की। ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस, ये इन सभी परिस्थितियों ने मेड हिम, उसे बना दिया ए बीटर एंड डिसअपॉइंटेड मैन, एक कड़वा और एक निराश व्यक्ति बना दिया। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, कवि का जो कठोर परिश्रम था उसका क्या परिणाम निकला? द पोइट्स हार्ड वर्क, कवि का जो कठोर परिश्रम था उसका परिणाम, द पोइट्स हार्ड वर्क प्रूव्ड वेरी मच प्रोडक्टिव, कवि के कठोर परिश्रम का परिणाम था वो प्रूव्ड साबित हुआ बहुत ज्यादा उत्पादक एंड फ्रूटफुल और फलदायी साबित हुआ। हिज गुड राइट हैंड मेड हिम वर्क हार्ड, कि अच्छे सीधे हाथ ने बहुत कठोर मेहनत की। एंड अर्न मनी, और पैसा कमाया। हिज पॉवर्टी एंड बैड डे एंडेड, उसकी गरीबी और बुरे दिन समाप्त हो गए। हिज ही अर्न वेल्थ, उसने धन कमाया। एंड रेस्पेक्टेड, सम्मान कमाया। ऑल हिज सेल्फिश फ्रेंड, उसके सभी स्वार्थी मित्र एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदार हु हैड डेजर्टेड हिम, जो उसे छोड़कर चले गए थे अर्लियर, पहले से ही केम बैक टू हिम, वो उसके पास आ गए वन बाई वन, एक एक करके वापिस आ गए। हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस, कवि है वो अपनी उदासी से कैसे उभरा? द पोइट ओवरकेम हिज सैडनेस, वो अपनी उदासी से उभरा। थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी आत्म उदारता के माध्यम से, ही आत्म अनुभूति के द्वारा। ही रियलाइज, उसने महसूस किया डेट सेल्फ हेल्प इज द ओनली हेल्प, कि केवल स्वयं की मदद ही वास्तविक मदद होती है। डेट कैन चेंज वंस वे, जो किसी के भाग्य को बदल सकती है। हिज करेज रिवाइव, उसका जो करेज साहस था रिवाइव रिवील प्रकट कर दिया, वो पुनः जीवित हो गया। ही फॉरवर्ड, वो भूल गया ऑल अबाउट हिज सेल्फिश फ्रेंड, वे अपने सेल्फिश मित्रों को भूल गया। इन एक्वेंटेंसेज, और परिचित लोगों को भूल गया। रिपोजिंग फेथ इन देम, और उनमें विश्वास करना वॉज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन द सैंड, वो मिट्टी में घर बनाने के समान था। ही रियलाइज, उसने महसूस किया डेट हिज गुड राइट हैंड वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, कि उसका अच्छा सीधा हाथ ही उसका बहुत ही पक्का मित्र है। दिस रियलाइजेशन, ये अनुभूति ने एंडेड समाप्त कर दिया हिज रिजेक्शन, उसकी उदासी को समाप्त कर दिया। हिज स्पीड बिकेम लाइट, उसकी जो आत्मा थी वो बहुत हल्की हो गई एंड चेयरफुल, प्रसन्नचित हो गई। ही कुड शेप हिज ऑन फेट, वह अपने खुद के भाग्य को बदल पाया। नॉट बाई डिपेंडिंग ऑन अदर, दूसरों पर निर्भर रहकर नहीं, बट डिपेंडिंग ऑन हिज हार्ड वर्क, बल्कि अपने खुद के काम पर विश्वास करके। रिपोजिंग फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास करके। एंड इन हिज गुड राइट हैंड, और अपने खुद के सीधे हाथ पर विश्वास करने ने हेल्प हिम, उसकी मदद की। ओवरकमिंग हिज सैडनेस, अपनी उदासी पर उसने विजय प्राप्त कर ली। Why does the poet not need his friends anymore? कवि को अपने दोस्तों पर आवश्यकता क्यों नहीं रही? There came a quantitative change in the attitude of the poet. कवि के
जो दृष्टिकोण है उसमें एक परिवर्तन हो गया. अर्लियर पहले से ही यूज टू लुक टुवर्ड्स फ्रेंड्स इन द आवर ऑफ नीड. पहले वो देखा करता था अपने मित्रों की तरफ जब जरूरत के समय में देखा करता था, उनसे मदद मांगा करता था. ही डेजर्टेड हिम, उसने उनको त्याग दिया. दे डिड नॉट राइज टू द ओकेजन एंड डिड नॉट राइज टू द ओकेजन, और उन्होंने बिल्कुल भी उस अवसर का फायदा नहीं उठाया. ही लर्नड ए लेसन, उसने एक पाठ सीखा. ही रियलाइज, उसने महसूस किया डेट इज गुड राइट हैंड वॉज बेस्ट फ्रेंड, कि उसका अच्छा सीधा हाथ ही उसका सबसे अच्छा मित्र है. ओनली हिज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्ट लेबर कुड चेंज हिज फेट, केवल उसका अच्छा भाग्य, अच्छा जो कठोर परिश्रम है वो और अच्छा ईमानदारी पूर्ण कार्य है वो ही उसके भाग्य को बदल सकता है. एंड ओवरकम हिज पॉवर्टी, और उसकी गरीबी पर जीत हासिल कर सकता है. थिंग्स चेंज्ड फॉर बेटर, और जो थिंग्स परिवर्तन था चेंज उसने बदल दिया फॉर द बेटर भविष्य के लिए. ही बिकेम प्रॉस्परस, वह समृद्धशाली बन गया, एंड्रेस धनवान बन गया. ही डिड नॉट नीड हिज सेल्फिश फ्रेंड्स एनीमोर, उसने बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं की अपने स्वार्थपूर्ण मित्रों की. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वेन ही बिकेम प्रॉस्परस, दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा समृद्धशाली हो गया. और हिज फ्रेंड्स हू हैड डेजर्टेड हिम, सभी उसके दूसरे मित्र जो उसे छोड़कर चले गए थे, केम बैक टू हिम, उसके पास वापस आ गए. वन बाय वन, एक एक करके आ गए. बट टाइम हैड चेंज, ही डिड नॉट नीड दियर. व्हाट इंस्पायरेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस पोएम, कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है. चार्ल्स मैके, माय गुड राइट हैंड इज ए मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग पोएम, ये एक बहुत ही प्रेरणास्पद और कविता है. इट गिव्स ए डेफिनेट इंस्पायरिंग मैसेज, ये एक बहुत ही निश्चित प्रेरणास्पद संदेश देती है टू द रीडर्स, पाठकों को. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, कि सेल्फ हेल्प है वो सबसे बढ़िया हेल्प होती है. Our good right hand is our best hand. हमारा सीधा अच्छा हाथ, इसका मतलब है कि हमारी मेहनत ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है. Only through the good right hand, हमारे अच्छे सीधे हाथ के द्वारा ही we can work hard, हम कठोर मेहनत कर सकते हैं to change our fate, हमारे भाग्य को बदलने के लिए. Our hard work can help us, वो हमारा कठोर परिश्रम ही हमारी मदद कर सकता है. इन ओवरकमिंग आवर पॉवर्टी, हमारी गरीबी पर जीत हासिल करके. एंड बैड डेज, और अपने बुरे दिनों पर विजय प्राप्त करके. डिपेंडिंग ऑन पास, मित्रों पर, पक्के मित्रों पर डिपेंड होकर के, और एक्वेंटेंसेज और परिचित व्यक्तियों पर निर्भर रहना ही इज लाइक बिल्डिंग कैसल ऑन द सैंड, मिट्टी पर घर बनाने के समान है. नो वन कम्स टू हेल्प इन द आवर ऑफ आवर नीड, कोई भी जरूरत के समय में हमारी मदद के लिए नहीं आता. ओनली आवर फेथ इन गॉड, केवल हमारा जो भगवान में विश्वास है और हमारे जो गुड राइट हैंड है कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने में, रेस्पेक्ट कमाने में, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि कमाने में. What does good right hand represent? इस उपयोगी दायां हाथ है वो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है. मैसेज इज क्वाइट सिम्बोलिक, वो एक पूर्ण रूपेण सिम्बोलिक यानी प्रतीकात्मक है. हियर द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, ये प्रतिनिधित्व करता है ऑनेस्ट लेवर, कठोर परिश्रम का, एंड हार्ड वर्क और कठोर कार्य का प्रतिनिधित्व करता है. ही रिप्रेजेंट सेल्फ हेल्प, वो आत्म जो सहायता है उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, बताता है. इट अर्ज अस, हमें प्रेरणा देता है नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर हेल्प, मदद के लिए जरूरत के समय में हमें मदद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. ऑल आवर फ्रेंड, हमारे सभी मित्र और परिचित व्यक्ति हैं विल
true false वो झूठे साबित होंगे. Only the good right hand will come to our help. केवल हमारा सीधा अच्छा हाथ है वो ही हमारी मदद के लिए आएगा. When it is needed, जब इसकी जरूरत होगी. It also means इसका मतलब है that we can shape our false faith. इसका मतलब है कि हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं only through our effort, हमारी प्रयासों के द्वारा. All and out of the two hands, और हम दोनों हाथों के द्वारा इज द गुड राइट हैंड इज मोर ड्रामेटिकली इन्वॉल्व. ये जो गुड राइट हैंड है ये बहुत ज्यादा नाटकीय रूप से मिला हुआ है, सम्मिलित है इन ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाकलाप होकर. दो, यदि थ्रू हार्डवर्क कठोर परिश्रम के माध्यम से वी कैन ब्रिंग नेम, हम नाम कमा सकते हैं, फेम प्रसिद्धि कमा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि कमा सकते हैं. इट लाइज कंप्लीटली, ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है इन आवर ओन हैंड, अपने खुद के हाथों में. टू शेप, जिसे हम बदल सकते हैं, चेंज आवर डेस्टिनी, और हमारे भाग्य को बदल सकते हैं. गुड, थैंक यू वेरी मच.